बैंड पार्टी की शुरुआत में यह आलाप बजाएंगे तो माहौल बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब बैंड पार्टी की शुरुआत होती है, साउंड वगैरह को चेक किया जाता है, तो वहाँ पर आप अपने केसियो में, पियानो में यह आलाप बजा सकते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगता है बजाने में। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सा आलाप है एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे से सिखाता हूँ। इस तरह से आलाप को प्ले कर सकते हैं और इसी आलाप के साथ में इस आलाप से रिलेटेड जो गाने होते हैं उन गानों के कुछ बोल भी प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप कैसे सीखेंगे, बात करते हैं। सबसे पहले जो ये आलाप हमने प्ले किया है, ये है राग शिवरंजनी का आलाप। तो राग शिवरंजनी का आलाप सीखने के लिए राग शिवरंजनी के स्वर समझने होते हैं। तो दोस्तों, कुछ भी कठिन नहीं है, इस राग के अंदर सिर्फ 5 स्वर आपको समझने हैं। ये पहली काली यानी कि सी शार्प से मैंने आपको बताया है, यहाँ से समझिएगा इसके स्वर, सा रे गा पा धा, केवल 5 स्वर, सा रे गा पा धा, यही स्वर आपको समझने हैं। इन्हीं स्वर के अंदर ये आलाप प्ले किया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो मध्य सप्तक में मैंने आपको 5 स्वर बताए हैं, वही 5 स्वर आपको तीनों सप्तक में समझने हैं और आपका काम हो जाएगा। किस तरह से प्ले करना है एक बार स्लो में देखिएगा। लेकिन यहां पर जब आप रुकेंगे तो इसका कड़ स्वर ऐड करेंगे। दोबारा से देखिएगा। इसके बाद आपको स्लो में बता रहा हूं, इसके बाद आप पलटे भी लगा सकते हैं इस तरह से। धीरे धीरे देखिएगा। ये वाले पलटे लगा सकते हैं इसके बाद। इसमें आप कितना भी आलाप बजाइएगा, कितने भी स्वर डालिएगा, सभी स्वर यहाँ पर राग शिवरंजनी के यूज़ करने हैं, सा रे गा पा धा। इसके अलावा एक बात और समझनी है, जो इसमें हमने आपको कोमल गा बताया है, सा रे गा पा धा, ये कोमल गा मोस्टली यूज़ होता है इस राग के अंदर, लेकिन कभी कभी इस शुद्ध गा को भी यूज़ कर लेते हैं। जब इसको यूज़ करते हैं तो बहुत ही मधुरता आती है, बोल के अंदर मिठास आती है। जब यहाँ पर यूज़ करेंगे और यहाँ पर यूज़ करेंगे, एक ही बात आएगी लेकिन स्वर का फ़र्क हो जाएगा इस तरह से। और यही यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये भी पलटे हैं लौटते समय।
इस तरह से दोस्तों इसके अंदर अलाप बजा सकते हैं और इसी अलाप के रिकॉर्डिंग जो भी गाने हैं यानी कि इस राग से रिकॉर्डिंग जो भी गाने हैं वो गाने आप इसके साथ बजा सकते हैं, जैसे कि मेरे नैना सावन भादों, फिर भी मेरा मन प्यासा, और भी बहुत सारे गाने हैं, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, ऐसे बहुत सारे गाने हैं, मोस्टली सभी सैड सॉन्ग हैं, उनको भी आप प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा नाम और एड्रेस ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।